सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। मैं पालघर के विषय में दो शब्द कहना चाहता हूं कि पालघर में जो संतों की हत्या हुई है उससे बहुत ही मेरा दिल जो है दर्दनाक स्थिति में पहुंच गया है, और उसी स्थिति में मैं दुख भरे दो शब्द आप लोगों से कहना चाहता हूं। हैवानियत की हद हो गई, हैवानियत की हद हो गई, इन मूर्ख लोगों की बुद्धि कहाँ खो गई, हैवानियत की हद हो गई। अरे निर्दोषी संतों को दुष्टों ने क्यों मारा, निर्दोषी संतों को दुष्टों ने क्यों मारा, क्रोध की अग्नि से जगा है भारत मां कपारा, कुलबा गलत होए तुम्हारा, गलत कुलबा होए तुम्हारा, मति क्यों भंग हो गए, हैवानियत की हद हो गई, हैवानियत की हद हो गई। और इन मूर्ख लोगों की बुद्धि कहाँ खो गए, हैवानियत की हद हो गई। अरे संत और महात्मा की पूजा होती आई, संत और महात्मा के पूजा होती आई, अरे पापियों हत्या कर दई कैसे बने कसाई, बिल्कुल दया नहीं आई, हाँ बिल्कुल दया नहीं आई, करुणा कहाँ सो गई, हैवानियत की हद हो गई, हैवानियत की हद हो गई। अरे इन मूर्ख लोगों की बुद्धि कहाँ सो गई, हैवानियत की हद हो गई। मैं चाहता हूं कि इनको ऐसा दंड मिलना चाहिए, काट कर हाथ पैर इनके, दोनों आंखें फोड़ दो, कर्मों का फल लिखकर इन पर चौराहे पर छोड़ दो। अरे पाल घर का अभी मामला ठंडा नहीं हो पाया, पाल घर का अभी मामला ठंडा नहीं हो पाया, बुलंदशहर में भी संतों का कत्ले आम कराया, बीस बीस कैसा आया, हाँ 2020 कैसा आया, दुनिया रो गई, हैवानियत की हद हो गई, हैवानियत की हद हो गई। अरे इन मूर्ख लोगों की बुद्धि कहाँ खो गई, हैवानियत की हद हो गई। अरे धर्मवीर के बिन फांसी के
न्याय नहीं होवेगा, धर्मवीर के बिन फांसी के न्याय नहीं होवेगा, वैसा ही काटेगा बंदे जैसा तू बोवेगा, अरे मूंड पकड़ रोवेगा, मूंड पकड़ रोवेगा संतों को पीर जो दई है, मानियत की हद हो गई, अरे इन मूर्ख लोगों की बुद्धि कहाँ खो गई है, वानियत की हद हो गई।